न्यूज वार सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ द्वारा शिक्षक दिवस पर जनकपुरी में शिक्षकों व समाज सेवियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से हुआ। इस मौके पर भाजपा नेता रमेश खन्ना, पूर्व महापौर नरेंद्र चावला, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर राजेश बरार व वरिष्ठ पत्रकार शशिधर शुक्ला के अलावा अनेक गणमान्य पुरुष एवं महिलाएं भी शामिल हुईं। शिक्षकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य सेवा देने वाले महानुभावों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले सभी अवार्डियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान इंस्टीट्यूट के छात्रों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर सीमा शर्मा ने संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। फिर से बधाई देती हूँ और हमारे बीच में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे यहाँ पर जो बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के लिए सम्मानित हुए हैं और जिनको बेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में उसने एक अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला नाम जो आता है वो एनपीटीआई एनजीओ का आता है, जो कि पेलियर बच्चों के लिए ही काम करती है। इसके लिए जो है हमें सम्मानित किया जा चुका है गनी भाव। एनपीटीआई एनजीओ जो चल रही है इस टाइम अपने मजबूत पिलर्स के साथ चल रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने मेंबर्स का कि जो अपने काम के लिए इतना डिवोटी है और इतना हार्ड वर्क वो लोग करते हैं। एनपीटीआई एनजीओ इसके लिए भी पहचानी जाती है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो उसके मेंबर्स की है। सम्मान और आदर की भावना आज जैसे पहले होते थे। जहाँ तक टीचर देकर मेरा सवाल है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दी जाए ताकि वो एक अच्छे सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर सके। मैम आपको अवार्ड का सवाल है, ये तो एक टीचर के प्रति समाज का सम्मान है जो उसे स्कूल तक पहुँचाते हैं। बाकी पहले मैं टीचर थी जब मुझे अवार्ड मिला था, अब मैं प्रिंसिपल हूँ। पहले मुझे अपनी क्लास की जिम्मेवारी थी, अब मैं पूरे स्कूल के प्रति जवाबदेह हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के सभी बच्चे एक सम्मानित नागरिक का जीवन जिए। कोई बच्चा मेरे स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो। जहाँ तक जब पहले भी मैं यही करती थी कि बच्चों को घर से भी हम ढूंढ के ले आते हैं। बच्चे कई बार कई कई महीने के लिए गाँव में चले जाते हैं लेकिन हम उनको गाँव में से आने के बाद ढूंढ के ले आते हैं, फोन कर करके उनको गाँव से बुलाते हैं ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से बच्चे उठा ले और हमारे मेरे देश का कोई भी बच्चा मजदूरी ना करे, पढ़ के एक अच्छे पद पर आ सी हो।
मैम शिक्षक दिवस के ऊपर जो LBTI ने अपना प्रोग्राम किया है, ये किस तरह का एक मोमेंटम है जो LBTI का, कितने वर्ष से चल रहा है और क्या कुछ आगे एक सिनेरियो है, क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि 12 साल से ये NGO काम कर रहा है और हमने ये देखा कि अभी भी हमारे देश की तो मैं बात नहीं करूँगी कि हम लोगों के एरिए में भी अभी भी शिक्षा का अभाव है। तो मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षक दिवस पे सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास में कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं या कहीं भी शिक्षा का अभाव आपको नजर आ रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बच्चों की सहायता करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं और अध्यापक जो है बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे भी आगे तरक्की करें और अपने अध्यापिकाओं का भी नाम रोशन करें। हमारा हमारी NGO का यही मेन मोटो है कि सबको शिक्षा मिले, तो उस क्षेत्र में हम जो है हमारी कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं, हम काफ़ी लोगों से जो बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं हम उनसे यही कहते हैं कि अगर आप भी कोई एक बच्चा देखिए, एक बच्चे की फीस आप स्पॉन्सर करिए सो दैट हर एक बच्चा पढ़ लिख कर आगे कुछ करें।